अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज जो हम बना रहे हैं विंटर्स का टिंट, ये स्पेशली विंटर्स के लिए, ठीक है। आपने शिया बटर लेना है 1 चम्मच, ठीक है। शिया बटर अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है ना, तो कोई मसला नहीं है। आपने क्या करना है, आपने कोकोनट ऑयल ले लेना है, ठीक है। वो भी सेम चीज़ ही है। अगर आपने कोकोनट, मैंने तो बस पड़ा हुआ था तो मैंने ये यूज़ कर लिया, अगर नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल ले लें, वो भी बेस्ट है, आप वो यूज़ कर लें, ठीक है। आपने इसको मेल्ट करना है अच्छी तरह, एक स्पून के अंदर जितना भी आता है ना, आपने उसको ले लेके मेल्ट कर ही जाना है। मैं बार बार ऐसे ही करती थी, उसको मैं रिपीट करती जाती थी इस तरह से, और आपने भी ऐसे ही करना है, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए वैसलीन, ठीक है। ये वैसलीन जो थी मैंने मेल्ट कर ली है, ठीक है। एक चम्मच आपने वैसलीन लेनी है, आपने उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, और एक चम्मच ही आपने एलोवेरा जेल जो है ना वो इसमें ऐड कर देना है, और आपने उसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है। अच्छा, मैंने ये किया था कि मैंने ना इतना ज़्यादा मिक्स नहीं किया था एलोवेरा जेल को, ठीक है। ये मैं इवियन का कैप्सूल डाल रही हूँ 600 mg का, ठीक है। एक ही डालना है आपने, और बाकी आपने, मैंने ये कहना था कि लाजमी अच्छी तरह मिक्स करें। अगर आप अच्छी तरह मिक्स नहीं ना करेंगे, वो थोड़े से पल्पी पल्पी सा रह जाएगा फ्रीज़ होने के बाद, ठीक है। इस पर मैं ऐड करूँगी, कोई भी ब्लशन आप ऐड कर लें, ठीक है। अगर आपके पास ब्लशन नहीं ना है, तो आपके पास कोई लिक्विड टिंट पड़ा हुआ है पुराना, ठीक है, थोड़ा सा रह गया, वो थोड़ा सा उस पर ड्रॉप्स ऐड कर लें, ठीक है। या आई शेड, अगर आपके पास कोई पिंक कलर का आई शेड पड़ा हुआ ना, आप वो उसमें ऐड करें, ठीक है। अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है। ये मैंने 2 से 3 दफ़ा डाला था, ठीक है। तो आपने वो अच्छी तरह उसको मिक्स कर लेना है। जितना अच्छा मिक्स होगा, उतना ही अच्छा आपका टिंट बनेगा, ये इसका सीक्रेट है, ठीक है। ये मैंने गलती की थी, या आपने नहीं करनी, ठीक है। और अगर आपके पास घर में कोई पड़ी हुई है ना चैपस्टिक, ठीक है, कोई भी हो, टिंटेड है, प्लेन है, कोई भी चैपस्टिक है ना, वो थोड़ी सी जो भी है, आपने ना वो इसके अंदर ऐड कर लेनी। वैसे ये एक ऑप्शनल है, अगर करनी है तो कर लें, नहीं तो ना करें, ठीक है। ये बिल्कुल थोड़ी सी थी, इसको मैंने थोड़ा सा ऐड करके उसके अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लिया था, और ये मिक्स करके जो था ना, इसको मैंने एक सिंपल कंटेनर में डाल दिया था। आपके पास कोई भी एम्प्टी बॉक्स पड़ा है ना, आपने उसके अंदर इसको ऐड कर लेना, ठीक है। मेरे पास पुरानी जो लिप बाम था उसका था, मैंने उसके अंदर ही ऐड कर लिया। अच्छा, ये विंटर्स के लिए इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर ना वो इवियन का कैप्सूल है, और सेकेंडली शिया बटर है, ठीक है। तो विंटर्स के लिए इसलिए अच्छा है कि आपको कोई प्राइमर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई मॉइस्चराइज़र, कोई सनस्क्रीन, कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको एज इट इज़ अपनी स्किन पे अप्लाई करें, और आप देखें, आपको हाइलाइटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेचुरल अगर आप चाहते हैं ना लुक, तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको ये अच्छा लगेगा टिंट यूज़ करने में। इसको आपने फ्रीज़र में रख देना, और जब फ्रीज होकर ठंडा हो जाएगा ना, उसके बाद आपने इसको अप्लाई करना, ठीक है। ये बेस्ट है, आई होप आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू।